नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह के बारे में, जो कि है बरमूडा ट्रायंगल। जैसा कि काफी लोग कहते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां भूत, प्रेत और अनजानी शक्तियां रहती हैं, जिनसे न जाने कितने लोग इसका शिकार हुए हैं। लेकिन क्या सच में ये जगह इतनी खतरनाक है जैसा कि कहा जाता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक ऐसा इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया है जो पुएर्टो रिको, बर्मुडा और मियामी के बीच में है। अगर हम बात करें इसकी एरिया की, तो ये कम से कम 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है उस ट्रायंगुलर शेप में। कुछ लोग इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आज भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब इस बात पर आते हैं कि इस जगह पर ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये इतना फेमस हो गया है। यहाँ पर कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीकों से गायब हुए हैं और उनमें से कुछ आज भी ढूंढे नहीं जा सके। फ्लाइट 19, जिसे लॉस्ट पेट्रोल भी कहा जाता है, यह एक जासूसी मिशन थी जिसे यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने 5 दिसंबर 1945 को चलाया था। इसमें 5 टॉर्पीडो बॉम्बर थे जो फ्लोरिडा की एक नेवल बेस से निकलकर बरमूडा ट्रायंगल की तरफ उड़ान भरे थे, लेकिन रहस्यमय तरीकों से बरमूडा ट्रायंगल के बीच में गायब हो गई और आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया है। फ्लाइट 19 में 14 जवान शामिल थे और जब वो गायब हो गए तो एक सर्च और रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। लेकिन इस मिशन में भी पीबीएम मरीना सी प्लेन, वो भी गायब हो गई। इसके बाद से कई थ्योरीज बनाई गई कि बरमूडा ट्रायंगल के बीच में क्या हुआ था और कैसे ये प्लेन्स गायब हो गई, लेकिन आज तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है और इस बात का मिस्ट्री अब तक बना हुआ है। अब ये भी तो देखना है कि इस जगह पर इतनी सारी घटनाएं क्यों होती हैं। कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यहाँ कोई अनजानी, कोई अलौकिक शक्तियां हैं जिनसे ये घटनाएं होती हैं। अब हम कुछ पॉपुलर थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जिनका इनके साथ कनेक्शन है, जो लोग कहते हैं। सबसे पहली थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की। ये थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कंपास और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंटरफेयर करती है और इसे शिप्स और प्लेन्स का रास्ता खो जाता है और इसी बीच में वो कहीं क्रैश कर जाते हैं या खो जाते हैं। दूसरी थ्योरी है ह्यूमन एरर की। ये थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल के बीच में बहुत से शिप्स और प्लेन्स काफ़ी आसानी से आपसी कोलिजन में आ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है ये इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की गई है, लेकिन इसे हाल तौर पर एक एक्सीडेंट कह दिया गया है। तीसरी थ्योरी है मीथेन गैस की। ये थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसी लेयर है जो मीथेन गैस से भरी हुई है और जब भी कोई शिप या कोई प्लेन उस लेयर से गुजरता है तो मीथेन गैस उनके इंजन्स में घुस जाती है और उनका इंजन फेल हो जाता है, पता नहीं कैसे। खैर, चौथी थ्योरी ये है बरमूडा ट्रायंगल में बहुत सारे पायरेट्स होते हैं, मतलब समुद्री लुटेरे, जो शिप्स को हाईजैक कर लेते हैं और उन्हें कभी वापस नहीं जाने देते। लेकिन ये तो शिप्स पर लागू होगा ना। पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे हैं वो शिप्स को लूटेंगे, उनको हाईजैक करेंगे, एयरक्राफ्ट्स और एयरप्लेन्स कैसे गायब हो जाते हैं ये सवाल है। लेकिन अभी तक भी कोई सटीक जानकारी नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में सच में क्या हो रहा है और इसके मिस्ट्री के पीछे, ये जो मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनके पीछे क्या सही रीज़न है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में सुपरनैचुरल फोर्सेस हैं जो शिप्स और प्लेन्स को खींच के अपने अंदर समा लेती हैं। कुछ मानते हैं कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, जितने भी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स गए हैं वो कोइंसिडेंटली उनका एक्सीडेंट हो गया उसी समय पर। तो ये कुछ पॉपुलर थ्योरीज बरमूडा ट्रायंगल के बारे में थी। अगर आपके पास इसके बारे में और कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।